चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 124 रनों से हरा दिया। 289 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम 33.4 ओवर में 9 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। इस टूर्नामेंट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। युवराज के शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय सेना ने बड़ा बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि अब पुरुष सैनिकों के साथ महिला जवान भी लड़ाई के मैदान में नजर आएंगी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में लाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में महिलाओं को मिलिट्री पुलिस में भर्ती किया जाएगा। गुजरात सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ कठोर कानून लागू करते हुए कहा कि अब राज्य में गौ हत्या के दोषी को अधिकतम उम्र कैद की सजा दी जाएगी। गुजरात पशु संरक्षण बिल 2017 मार्च में सदन में पास किया था, जिसकी मंजूरी के लिए बाद में इसे गवर्नर के पास भेज दिया गया था। गुजरात में लागू हुए इस नए कानून के तहत वर्तमान में 7 साल की सजा को 14 साल तक कर दिया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बताया कि वो उपनिषद और भगवद गीता पढ़ रहे हैं। राहुल के इस हृदय परिवर्तन की वजह धार्मिक नहीं, राजनीतिक है। राहुल के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जवाब देने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। मायावती सरकार द्वारा दलित नेताओं बीआर अंबेडकर और कांशीराम की स्मृति में बनवाए गए पार्कों और स्मारक स्थलों में अब ओबीसी और अगड़ी जातियों के महापुरुषों की भी मूर्तियां लगवाई जाएंगी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजा सुहेल देव की 16 से 18 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा अंबेडकर स्मारक स्थल के अंदर लगवाने का निर्णय लिया है।